इवनिंग बच्चों, दिस इज संतोष, संतोष श्रीवास्तव। आज मैं आपके सामने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सिक्स्थ पार्ट के साथ, छठवें पार्ट के साथ प्रेजेंट हुए यहाँ पे। आपने अब तक पांच पार्ट्स आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स के पढ़ लिए हैं। इन पांच पार्ट्स में आपने निश्चित ही कई सारे इंपॉर्टेंट रूल्स भी आपने तैयार कर लिए होंगे। जैसे आपको याद हो गया होगा कि अगर हमको कहीं पर भी अ नंबर ऑफ लेना हो या द नंबर ऑफ लेना हो, अ वैरायटी ऑफ लेनी हो या द वैरायटी ऑफ लेनी हो, अ मेजॉरिटी ऑफ हो, द मेजॉरिटी हो, या फिर केवल द मेजॉरिटी हो और उसके बाद ऑफ न हो, ये सारी चीजें आपने क्या कर ली होंगी, प्रिपेयर कर ली होंगी। आपको मोर देन वाले वाक्य तैयार हो गए होंगे। मोर देन वन होगा तो क्या होगा, मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन वन होगा या टू होगा तो क्या होगा, मोर प्लस अनकाउंटेबल नाउन होगा तो क्या होगा, ये सारी चीजें आपने क्या कर ली होंगी, तैयार कर ली होंगी। तो आज हम इससे आगे बढ़ते हैं और कुछ और जो हमारे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उनको देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट रूल्स कौन से हो सकते हैं? पहला इंपॉर्टेंट रूल है आपका नथिंग बट। देखेंगे नथिंग बट से संबंधित वाक्य या एवरीथिंग बट। सबसे पहले आप ये जाने कि अगर ऐसे वाक्य आपको नथिंग या एवरीथिंग सब्जेक्ट के रूप में दे जा रहे हो तो आपको अपनी वर्ब कैसे रखनी है। लेकिन उससे पहले आपको जानना होगा कि अगर नथिंग के बाद बट आता है या एवरीथिंग के बाद अगर बट आता है तो ये बट यहां पे बच्चों कंजंक्शन नहीं है, ये बट यहां क्या है, प्रीपोजिशन है। और आपने पढ़ा हुआ है कि प्रीपोजिशन से पहले आने वाला जो नाउन प्रोनाउन होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है, न कि इसके बाद। तो आपका रूल यहीं पे सेट हो गया ना कि अगर नथिंग बट है या एवरीथिंग बट है तो इसमें हमारी जो वर्ब होगी वो बट के बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन से गवर्न नहीं होगी, वो किससे गवर्न होगी, इस नथिंग या एवरीथिंग से गवर्न। यानी अगर हम नथिंग बट ले रहे हैं और इसके बाद चाहे हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्रोनाउन ले रहे हैं या प्लूरल काउंटेबल नाउन ले रहे हैं, कोई भी ले रहे हैं, हमारी जो वर्ब होगी बच्चों वो यहां क्या होगी, एसवी होगी। क्यों एसवी होगी, क्यों सिंगुलर वर्ब होगी, क्योंकि प्रीपोजिशन के पहले जो नथिंग दिया गया है वो क्या है, यहां पे सिंगुलर है। सेम यही चीज आपकी एवरीथिंग पर लागू होगी। एवरीथिंग बट के बाद चाहे आपके पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो चाहे आपके पास प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, लेकिन हमारी जो वर्ब होगी इसके बाद वो हमेशा क्या होगी, आपके बच्चों क्या होगी, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, अगर इस तरीके के वाक्य हमारे एग्जाम्स में दिए जाए तो हम कैसे देखिए बना सकते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं। अगर कहीं पर दिया है नथिंग बट ट्रीज ओवर सीन इन द गार्डन, अगर ऐसा वाक्य हो बच्चों कर लेंगे। अब आप जैसे आपने देखा कि नथिंग बट है तो इस बट के बाद कौन सा नाउन है ये मायने नहीं रखता है, इस बट से पहले कौन सा नाउन है ये मायने रखता है। तो बट से पहले बच्चों क्या है यहां पे, नथिंग, नथिंग मीन्स नो थिंग यानी सिंगुलर हुआ, तो फिर यहां पे जो वर है ये क्या हो जाएगी, वाच। ठीक है, ऐसे एक और वाक्य देखते हैं, एवरीथिंग बट पेंस वर अवेलेबल
इन द शॉप। कर लेंगे बच्चों, जैसे ही आपने देखा यहां पे एवरीथिंग बट है, आप तुरंत समझ जाएं कि एवरीथिंग बट के बाद क्या है, अब ये मायने ही रखता है बच्चों। बट के पहले क्या है ये मायने रखता है। तो फिर यहां पे जो वर है ये फिर से क्या हो जाएगी, ठीक है। यानी अगर कभी भी आपके सामने नथिंग बट या एवरीथिंग बट हो तो फिर आप बट से पहले जो आपका एवरीथिंग या नथिंग है उसके अनुसार अपने वर को क्या करें, गवर्न करें। यानी नथिंग और एवरीथिंग क्या है, सिंगुलर है, इसलिए आपकी जो वर्ब होनी चाहिए वो सिंगुलर होनी चाहिए। यही चीज बच्चों हम यहां भी देख सकते हैं। नन बट के साथ, इसके साथ नन बट के साथ, यहां भी बट हमारा क्या है, यहां बट हमारा प्रीपोजिशन है। अगर बट प्रीपोजिशन है तो अब इसके बाद क्या आता है बच्चों, ये मायने नहीं रखता है, इसके पहले क्या है वो मायने रखता है। तो ट्रेडिशनल ग्रामर बच्चों ध्यान रखिएगा, मॉडर्न ग्रामर में नहीं, ट्रेडिशनल ग्रामर में नन जो है उसे सिंगुलर मानते हैं, मीन्स नो वन इज इक्वल टू नन। तो अगर सिंगुलर मानेंगे तो फिर आप इसके बाद चाहे आपने सिंगुलर नाउन लिया हो चाहे आपने प्लूरल नाउन लिया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको जो वर्ब लेनी होगी वो क्या लेनी होगी बच्चों, सिंगुलर वर्ब लेनी होगी, यही ना। यानी अगर नन बट का प्रयोग है तो भी ट्रेडिशनली आप क्या लें, सिंगुलर वर्ब। जैसे एग्जांपल देखें, अगर हम नन बट द ब्रेव डिजर्व दिस फेट, ध्यान से देखिए बच्चों ये वाक्य इंपॉर्टेंट है आपका। नन बट द ब्रेव, द ब्रेव समझ सकते हैं बच्चों, द ब्रेव मीन्स बहादुर लोग, यानी सभी बहादुर लोगों की हम बात कर रहे हैं। लेकिन द ब्रेव प्लूरल होने के बावजूद यहां पर आप डिजर्व नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बट आपका प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के पहले क्या है आपके पास, नन। तो अगर प्रीपोजिशन के पहले नन है तो ट्रेडिशनल ग्रामर में नन को हम सिंगुलर मानते हैं, इसलिए यहां डिजर्व नहीं होना चाहिए बच्चों, क्या होना चाहिए, डिजर्वेशन। नन बट द ब्रेव डिजर्व दिस फेट, यानी इस प्रकार के भाग्य के कौन योग्य है, केवल कोई और नहीं बहादुर ही उसके योग्य है। तो इसका मतलब है कि अगर बट के साथ नन है या नथिंग है या एवरीथिंग है तो बट के बाद क्या है ये मायने नहीं रखता है। कौन मायने रखता है बच्चों, ये आपका इसके पहले जो आपका सब्जेक्ट रहेगा नाउन प्रोनाउन वो मायने रखता है, ठीक है। अब अगर आपको एक वाक्य एग्जाम्पल के रूप में आपको दिया जाए कि क्या आप इस वाक्य को कर सकते हैं, तो शायद देखें आप करना चाहें। ऑन द डे ऑफ द रैली नथिंग बट द हेड्स ऑफ द पीपल वर सीन इन द गांधी। ये वाक्य था आपका, आप अपने से बताएं इसमें कहां सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलती हो रही है, देख लें और बताएं मुझे क्या गलत है इसका। अपनी कोशिश करें, अच्छे से मेहनत करिएगा, देखिएगा इस तरीके के वाक्य का एग्जाम्स में दे जाने पर आप कर लेंगे।
ऑन द डे ऑफ द रैली, यानी रैली के दिन, नथिंग बट द हेड्स, यानी कुछ और नहीं, केवल हेड्स ऑफ द पीपल, लोगों के सर ही वर सीन दिखाई दे रहे थे इन द गांधी मैदान. गांधी मैदान क्या गलत है? समझ आ रहा है? एक एक चीज छांटते जाना चाहिए. देखें, ये ऑन द डे है, ये क्या है आपके बच्चों? प्रीपोजिशन है. प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन होता है वो आपका सब्जेक्ट नॉर्मल नहीं होता है. फिर ऑफ द रैली है, तो ये रैली भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि रैली भी किसके बाद है बच्चों? प्रीपोजिशन के बाद है. फिर नथिंग बट द हेड्स, अगर आपको लगे कि द हेड्स सब्जेक्ट हो जाएगा तो ये भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि बट यहां के सिवाय के अर्थ में प्रीपोजिशन का काम कर रहा है. तो प्रीपोजिशन के बाद अगर द हेड्स है तो ये भी आपका सब्जेक्ट नहीं हो सकता है. और ऑफ द पीपल है, अगर आपको लगे कि पीपल सब्जेक्ट हो सकता है तो पीपल भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये भी प्रीपोजिशन के बाद है और यहां से तो आपका प्रेडिकेट है. यानी अब हमें इसी में सब्जेक्ट ढूंढना है. तो ये सब्जेक्ट है नहीं आपका डे, रैली आपका सब्जेक्ट है नहीं, और द हेड्स आपका सब्जेक्ट है नहीं, पीपल आपका सब्जेक्ट है नहीं, तो सब्जेक्ट क्या होगा? प्रीपोजिशन के पहले आने वाला नथिंग. और अगर नथिंग इसका सब्जेक्ट है तो आप समझ सकते हैं बच्चों, यहां वर नहीं होगा, क्या हो जाएगा? वाच हो जाएगा. यानी यहां पर वर के स्थान पर वाच हो जाएगा. ये फायदा है बच्चों अगर आप इस तरीके की चीजों को समझ लेते हैं. ठीक है, चलिए बच्चों, ये आपने नथिंग बट, एवरीथिंग बट और नन बट के बारे में जो रूल है आपने वो आपने. हम आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे रूल की तरफ चलते हैं जो संबंधित है ऑल से. ऑल मीन सब, पूरा. ये सब तो सब हो सकता है ना बच्चों, सब लोग भी हो सकते हैं, सारा पानी भी हो सकता है, हो सकता है सारे शहर भी हो सकते हैं, तो सारी चीनी भी हो सकती है. अब ऑल को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि ऑल सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा? क्या डिफाइन कर सकते हैं आप? मुश्किल है. तो फिर कैसे तय करेंगे? जो पूरा वाक्य है उस वाक्य के भाव पर हम तय करेंगे कि ऑल का प्रयोग हमने सिंगुलर के रूप में किया है या हमने प्लूरल के रूप में किया है. ठीक है, देखते हैं. तो सबसे पहली चीज जो हम ऑल के बारे में जाने वो ये है कि ऑल जो है प्लस सिंगुलर वर्ब भी ले सकता है और ऑल जो है प्लस प्लूरल वर्ब भी ले सकता है. सिंगुलर वर्ब कब लेगा बच्चों? सोच के देखें, कब? जब हम किसी परिस्थिति की बात करें या अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें या मेटीरियल नाउन की बात करें, यानी ऑल के बाद, मतलब ऑल को हम सिंगुलर वर्ब के साथ रखें. यदि हम उसके सेंस में किसी परिस्थिति को लेते हैं, किसी अब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझते हैं या फिर कोई मटेरियल नाउन लेते हैं, तो आल के साथ क्या लें हम? सिंगुलर. और आल के साथ हम प्लूरल लें कब? यदि हमारे पास क्या हो? प्लूरल काउंटेबल नाउन. अगर इस तरह आप थोड़ा सा तेज में पढ़ रहे हो पेंसिल और न समझ पा रहे, मैं इसे और इजी कर रहा हूं. देखिए, अगर आपके पास ऑल प्लस थिंग्स है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है या मेटीरियल नाउन है, तो ऑल क्या हो जाएगा आपका? सिंगुलर वर्ब हो जाएगा. सिंगुलर वर्ब हो जाएगा.
यही पर इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ऑल ऑल द वाटर आर नॉट गुड फॉर बोले बच्चों, यहां पे ऑल के साथ वाटर के साथ क्या लेना चाहेंगे आप, सिंगुलर लेना चाहेंगे या प्लूरल लेना चाहेंगे? तो ऑल के साथ क्या जुड़ा है बच्चों, वाटर जुड़ा है। इसका मतलब हमने मेटीरियल नाउन की बात की, जब मेटीरियल नाउन की बात की तो फिर यहां आर नहीं होगा, क्या हो जाएगा इस, ठीक है। और एग्जाम्पल्स लेते हैं, ऑल द राइस वर ले लेते हैं बच्चों, वर इन द स्टोव, समझ गए होंगे क्या सही है ये गलत है। हमने ऑल के साथ क्या लिया बच्चों, राइस लिया, राइस मीन्स मेटीरियल नाउन, जब मेटीरियल नाउन है तो फिर वर नहीं, क्या हो जाएगा यहां पर वाज हो जाएगा, समझ गए होंगे। और देख लें, ऑल द मिल्क आर स्टोर्ड इन अ कंटेनर, सही वाक्य आपका, ऑल द मिल्क आर स्टोर्ड इन द कंटेनर, क्या सही है? नहीं, ऑल के साथ क्या लिया मैंने, मिल्क लिया, अगर मिल्क लिया तो आर कैसे होगा बच्चों, क्या हो जाएगा यहां ऐसे हो जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमसे कह रहा है कि अगर ऑल के साथ हमने क्या लिया, प्लूरल काउंटेबल नाउन लिया, यानी हमने व्हाट कॉमन नाउन्स के रूप में यूज किया प्लूरल वो भी, तो फिर हमारी वर्ब क्या हो जाएगी बच्चों, प्लूरल वर्ब, ठीक है, हो जाएगी प्लूरल वर्ब। जैसे कोई कहे ऑल द सिटीज आर being developed, सही है, देख ले हमने all के साथ क्या लिया, cities लिया, plural लिया, तो फिर verb भी हमारी क्या हो गई बच्चों, plural हो गई, यानी आप यहां पर कोई error नहीं आपके। एक और वाक्य देखते हैं, all the apples was rotten, देख लें और अपने से देखें सही होगा या गलत होगा बच्चों, बोले अपने सब समझ सकते हैं आप। कर लेंगे बच्चों, जैसे ही आपने देखा कि all के साथ आपने plural countable noun लिया है तो फिर यहां वास नहीं होगा, क्या हो जाएगा वर, ठीक है। यानी ऑल के साथ अगर आपने मेटीरियल नाउन लिया है, अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिया है, इसको भी ऐसे जो अनकाउंटेबल है, तो फिर आप वहां क्या लें, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें, और अगर ऑल के साथ आपने प्लूरल काउंटेबल नाउन लिया है तो फिर वहां क्या यूज कर लें आप, प्लूरल वर्ब यूज करें, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें और, फिर अगर आपसे कोई पूछ दे कि वाक्य सही है या गलत, ऑल इज वेल और ऑल आर, आप में से कुछ बच्चे जरूर जानते होंगे कि ऑल इज वेल सही होगा या ऑल आर वेल सही होगा,
कौन सा सही होगा इस दोनों में, इन दोनों में कौन सा सही होगा बच्चों, कमेंट्स में बताएं अपने, ऑल इज वेल सही होगा या ऑल आर वेल सही होगा, बोले बच्चे ऑल इज वेल या ऑल आर वेल, जवाब दें बच्चों क्या बोलते हैं आप, ऑल इज वेल बोलते हैं या ऑल आर वेल बोलते हैं, दोनों में से कौन सा सही है? या फिर दोनों सही है, दोनों भी तो सही हो सकता है ना, सोच के देखें आप कैसे। देखिए बच्चों ये भी सही है आपका और ये भी सही है, ऑल इज वेल और ऑल आर वेल। प्रश्न है कब ऑल इज वेल सही होगा और कब ऑल आर वेल सही होगा, एंड यू कैन अंडरस्टैंड ऑल इज वेल तब सही होगा जब हम किसकी बात करेंगे, कंडीशन की बात करें, स्थिति की बात करें। अगर मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थिति है जो नेगेटिव यानी कहीं कहीं दुखदाई है और आप पहुंचते हैं किसी हॉस्पिटल में या किसी ऐसी जगह पे जहां पे प्रॉब्लम्स हैं और वहां कोई आपसे कहता है डोंट बी एम्बैरस्ड, घबराइए नहीं, ऑल इज वेल, सब ठीक है, वो ये नहीं कह रहे बच्चों सब ठीक है, वो कह रहे सब ठीक है यानी जो कुछ भी है सब ठीक है, यानी वो कंडीशन की बात कर रहे हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाम की बात कर रहे हैं या अब्स्ट्रैक्ट कंडीशन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब यहां पे ये वाक्य क्या हो जाएगा, ऑल इज वेल सही हो जाएगा। नहीं इसी का अपोजिट ले बच्चों, आप किसी हॉस्पिटल में जाएं और वहां पर कई सारे लोग क्या हो, घायल हो और कोई उनकी तरफ इशारा करते हुए कहे कि ऑल आर वेल, सब क्या है ठीक है, यानी सबकी हालत क्या है ठीक है, तो फिर ये भी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, यानी ऑल इज वेल भी सही हो जाएगा और ऑल आर वेल भी सही हो जाएगा। ये निर्भर करेगा कि हम कैसी बात कर रहे हैं, हम किसी परिस्थिति की बात कर रहे हैं तो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल कहते हैं ना, तो ऑल इज वेल हो जाएगा। और ऑल आर वेल कब हो जाएगा, जब हम लोगों की बात करें, सब लोग ठीक हैं, अर्थात ऑल आर वेल, मीन्स दोनों ही वाक्य क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। चलिए इसी से जुड़ा हुआ एक और वाक्य मेरा है, आप बताएं ये सही है या गलत। होल द नेशन इज मॉर्निंग ओवर द डेथ ऑफ आवर बिलव्ड प्राइम मिनिस्टर। अगर आप इसे सही कर लेते हैं बच्चों तो समझिए आप बच्चे, बोले बच्चों इस वाक्य में क्या गलत है, होल द नेशन पूरा राष्ट्र इज मॉर्निंग, शोक प्रकट कर रहा है ओवर द डेथ ऑफ आवर बिलव्ड प्राइम मिनिस्टर, यानी अपने उस प्रिय प्रधानमंत्री की मौत पर पूरा राष्ट्र पूरा देश शोक मना रहा है, क्या गलत है इसमें। ध्यान रखिएगा मैं यहां सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस पूरे वाक्य की बात कर रहा हूं कि इस वाक्य में क्या गलत है, देख लें समझें और बताएं। देखें बच्चों आपको जो करना है जो जानना है वो ये है, कभी भी होल द नहीं होता है, क्या होता है बच्चों, ये होता है, द होल नेशन इज मॉर्निंग ओवर द डेथ ऑफ आवर बिलव्ड प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ये बात के देने की मेरी एक वजह है जो अभी आप समझ जाएंगे। All the water, yeah, the whole water. कौन सा इसमें सही है? All the water,
या द होल वर्ल्ड। अगर आप एक ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे ना तो आप इससे बेहतर बच्चों ये पाएंगे, ऑल द वाटर से बेहतर क्या होगा, द होल वाटर। क्यों होगा, जबकि दोनों मीन्स होता है पूरा सारा। लेकिन आपको एक चीज समझना हो, ऑल के साथ क्या ले आप, प्लूरल काउंटेबल नाउन ले, और होल के साथ क्या ले आप, सिंगुलर अनकाउंटेबल या सिंगुलर काउंटेबल। यानी समझे मैं क्या कहना चाहूं, ऑल का प्रयोग जब आप करें तो आप कोशिश करें इसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन ले, और अगर आपको सिंगुलर नाउन लेना है या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन लेना है तो आप क्या ले लें, होल ले लें। जैसे अभी मैंने वाक्य लिखा था तो मैं एक दूसरा वाक्य लिखा, ऑल द एप्पल इज, देखिए बच्चों ये वाक्य सही है या गलत है, बोले ये वाक्य सही है या गलत है, गलत है बच्चों। आपके मन में आ सकता है सर एप्पल को हम एप्पल्स बना लें और इसको आर बना लें, लेकिन आप सोच देखें ना, अगर एक ही सेब है और उसका पूरा हिस्सा जो है वो सड़ा हुआ है, रॉटन है, तो क्या करेंगे आप, तो आपके पास कौन सा विकल्प बचा बच्चों, ये द होल एप्पल इज, ये समझ गए होंगे थोड़ा बहुत, फॉरवर्ड देखा। अब अगर कोई आपसे कहे ऑल द नेशन इज सैड, नेशन क्या प्लूरल यहां पे हो सकता है बच्चों, हम एक राष्ट्र की बात करें अपने राष्ट्र की, अगर आप ये कहते हैं ऑल द नेशंस आर सैड तो उसका अर्थ भी बदल जाएगा, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो अगर हम एक राष्ट्र की बात करें बच्चों तो दो चीज समझने की कोशिश करें, पहला कि ये द पहले आएगा द और तब क्या आ जाएगा, अब देखिए बच्चे द होल नेशन इज सैड हो जाए, यानी अगर सिंगुलर नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है और आप उसके पूरे हिस्से को दिखाना चाहते हैं, उसके संपूर्ण हिस्से को दिखाना चाहते हैं, तो कभी भी ऑल का प्रयोग ना करें बच्चों, किसका प्रयोग करें, होल का प्रयोग करें। और अगर आप कई सारी चीजें हैं तो कभी भी होल का प्रयोग ना करें, किसका प्रयोग करें, ऑल का, ये पहली चीज। दूसरा कि द ऑल के बाद आता है जबकि वही द होल से पहले आता है, हम इस पर आगे भी दूसरे टॉपिक में प्रोनाउन वगैरह पे भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी हम जो हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जानना है वो देखें। अगर हमने द प्लस होल लिया तो हमारी मजबूरी होगी यहां पे कि हमको क्या लेना होगा बच्चों, या तो हम क्या लें, अनकाउंटेबल नाउन लें, या फिर हम क्या लें, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। लेकिन अगर हम ऑल का प्रयोग करें तो इसके साथ द लें और तब हम इसके साथ हमेशा क्या लें बच्चों, प्लूरल काउंटेबल नाउन लें, पीसीएन लिख लें आप, प्लूरल काउंटेबल नाउन। ये दो फर्क जो मेन है आप इन्हें समझने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए हमेशा काम रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसी पर कैसे एग्जांपल्स करते हैं। समझ गए होंगे बच्चों, ये आपका द होल जब भी लेगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन या सिंगुलर काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन, और ऑल जब भी लेगा प्लूरल के साथ प्रेफरेंस है आप, ठीक। अब आप इस तरह का एग्जांपल आपको दिया जाए तो आप आराम से द होल सिटी आर बीइंग डेकोरेटेड, पूरा शहर सजाया जा रहा है। ध्यान रखिए बच्चों, अगर आपको यह कहना होता कि सारे शहर सजाए जा रहे हैं तब आप क्या लिखते, तब ये लिखते
ये ये सच जान ले बच्चों, अगर आपको एक चीज, कोई एक चीज है उसके संपूर्ण हिस्से की बात करनी है तो क्या लगाइएगा? द होल। और वर्ब क्या रखिएगा बच्चों? हमेशा सिंगुलर, यहां आर नहीं होगा, क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। और अगर आपको सारे शहरों की बात करनी, सारे देशों की बात करनी, सारे लोगों की बात करनी है तब कभी भी होल नहीं लीजिएगा, और लीजिएगा। और वर्ब क्या रखिएगा? हमेशा प्लुरल। एक और फर्क आपने देखा होगा, द होल से पहले आ रहा है और वही द ऑल के बाद जा रहा है, ठीक है? ये रूल जरूर तैयार करिएगा, काम है। चलिए आज का हमारा जो नेक्स्ट रूल है बच्चों वो ये है कि अगर कोई आपके पास फ्रैक्शन यानी कोई अंश है किसी चीज का, कोई थोड़ा बहुत हिस्सा है अगर, या फिर अगर कोई डिस्टेंस है, मीन्स दूरी, अगर समय है, मीन्स टाइम, अगर कोई राशि है या कोई मात्रा है, मतलब क्या है? अमाउंट। यानी अगर कहीं फ्रैक्शन है, डिस्टेंस है, टाइम है या अमाउंट वगैरह दिया गया है तो आप इन्हें किसमें लेते हैं? सिंगुलर में लेते हैं। किसमें लेते हैं? सिंगुलर। लेकिन इनके साथ एक शर्त जुड़ी होती है बच्चों, एक और चीज यहां अगर आप जोड़ सकते हैं, प्रतिशत। इसका परसेंटेज अगर ये जुड़े हुए हैं और इनके साथ अगर नाउन इनका आफ प्लस नाउन के रूप में जुड़ा हुआ है तो फिर ये स्थिति अनुसार सिंगुलर या प्लूरल। लेकिन अगर ये अकेले आ रहे हैं, इनके साथ कोई नाउन नहीं जुड़ा हुआ है तो आप इन्हें सिंगुलर लेंगे। फिर से, अगर कोई फ्रैक्शन यानी अंश है किसी चीज का, कोई डिस्टेंस दूरी है, कोई टाइम यानी समय है, कोई अमाउंट यानी राशि या मात्रा है, कोई परसेंटेज यानी प्रतिशत है, तो इनके साथ क्या हमें तय करना है? देखिए बच्चों, अगर इनके साथ सीधे हमको क्या लेनी है? वर्ब। अगर इनके बाद तुरंत हमको वर्ब लेनी है, ये वर्ब हमेशा क्या रहेगी? सिंगुलर वर्ब रहेगी। लेकिन अगर इनके साथ नाउन आएगा, जो हम आगे अभी आएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा? वो प्लूरल हो जाएगा। कैसे देखें? ऐसे, जैसे आपने कहा हाफ है, हाफ इज नॉट, हमने हाफ के साथ कुछ नहीं लिया, कोई नाउन नहीं लिया हाफ स्ट्रक्चर में, इसलिए हमने क्या लिया? इसलिए। और देख लें, सिक्सटी माइल्स आर अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। हमने 60 माइल्स के बाद कोई आफ प्लस नाउन नहीं लिया, इसलिए यहां पे हमने आर नहीं लेकर के क्या लेना होगा हमको? इस लेना होगा ना, 60 माइल्स इज अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, है ना? और देख लें, टेन थाउजेंड रुपीज आर अ वेरी बिग अमाउंट। अब यहां ने 10,000 रुपीज के बाद कोई आफ स्ट्रक्चर नहीं लिया, इसका मतलब यहां आर नहीं होगा, क्या हो जाएगा? इस कुछ, ठीक है? एक और चीज देखें, यहां हाफ दिया है, इसके बाद सीधे आपने वर्ब ली, यहां कोई नाम नहीं दिया गया, यहां पे 60 माइल्स दिया है तो डिस्टेंस दिया गया है, यहां पे 10,000 रुपीज है अमाउंट दिया गया, यानी लेकिन इनके साथ वो नाउन नहीं जुड़ा है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसी अवस्था में आपको क्या करना होगा? सिंगुलर यूज करना। एक और एग्जांपल लिख सकते हैं, 60% इज हाफ
द, कोई भी ले ले, या मैंने वैसे भी वर्क ले लिया है तो इसे लगाएंगे। 50% के बाद मैंने कोई भी वो नहीं लिया, बट कोई नाउन नहीं लिया, इसलिए मैंने क्या ले लिया, इस ले लिया। ठीक, या आप चाहे तो अ भी ऐड कर सकते हैं। अब अगर इन्हीं नाउन्स के साथ, मैंने इन्हीं शब्दों के साथ, सॉरी, जो फ्रैक्शन है, जो अमाउंट है, जो डिस्टेंस है, जो परसेंटेज है, इनके साथ अगर आप इस स्ट्रक्चर में आप कोई नाउन ले, जैसे कोई कहे 50% ऑफ द गर्ल्स, अभी इस पर निर्भर करेगा कि आपके बाद कैसा नाउन आया है। कैसा नाउन बच्चों, प्लूरल काउंटेबल नाउन, या क्या हो जाएगा, 50% ऑफ द गर्ल्स आर, सही है। टेन परसेंट ऑफ द वाटर इज अवेलेबल, 10% के बाद मैंने ऑफ द वाटर ले लिया, वाटर सिंगुलर ले लिया मैंने, तो इस क्या है, सही है। हाफ ऑफ द चिल्ड्रन हैज गॉन, सही है, नहीं, हाफ आपके बाद क्या है, चिल्ड्रन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो फिर हैज नहीं, क्या हो जाएगा यहां पे, है, लेकिन हाफ ऑफ द मिल्क इज इम्प्योर। अब हाफ आपके बाद क्या है बच्चों, मिल्क आ गया, तो फिर यहां इस क्या है आपका, सही, यही चीज समझना है। यानी अगर कोई फ्रैक्शन अकेले है विदाउट नाउन के, अगर कोई अमाउंट अकेले है विदाउट नाउन के, अगर कोई परसेंट अकेले है विदाउट नाउन के, अगर कोई डिस्टेंस अकेले है विदाउट नाउन के, तो उसे हम क्या रखें बच्चों, सिंगुलर रखें। लेकिन अगर वही नाउन के साथ, आप प्रश्न नाउन के साथ जुड़ जाता है, तो बस आप ये देख लें कि वह नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी के आधार पे अपने वर्ब को क्या कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते। और आज का लास्ट रूल देखें बच्चों, आप कोई भी जो कैलकुलेशन का एक्सप्रेशन होता है उसे क्या रखें बच्चों, सिंगुलर वर्ब के साथ। अगर कहीं कैलकुलेशन का एक्सप्रेशन है तो उसे कैसे ले आप, सिंगुलर वर्ब के साथ, कैसे, जैसे कोई कहे 5 and 5 क्या ले, इज है, कुछ किताबों में आर भी दिया गया होगा, आपकी प्रेफरेंस इस होनी चाहिए। और देखें 2 and 2 मेक्स 4, कुछ किताबों में मेक दिया गया होगा, बट आप मेक्स को प्रेफरेंस, फाइव टाइम्स 4 is 20, 5 times 4 एक्सप्रेशन है आपके कैलकुलेशन का, सही। बस ये ध्यान रखिएगा, अगर ये 5 times 4 is 20 होता है, लेकिन 5 4s are 20, क्योंकि सम दिखा रहा है। तो ये तभी अगर आपको कैलकुलेशन का एक्सप्रेशन यूज करना है
तो जो ट्रेडिशनल ग्रामर है उसके अनुसार आप उसे सिंगुलर लें न कि प्लूरल लें, लेकिन ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा, फाइव टाइम्स फोर्स नहीं, फाइव फोर्स आर 20 होगा न कि इज 20। ठीक है बच्चों, आप जरूर अपनी राय दीजिएगा कि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर आपकी छह पार्ट जो आपने पढ़ चुके हैं, आपकी क्या सोच है, क्या ये चीजें आप ऐसी पढ़ रहे हैं जो आपके एग्जाम्स में आगे काम आएंगी, या फिर ये चीजें ऐसी हैं जो आपके काम की नहीं, जैसा कि नहीं हो सकता है। एक और चीज बच्चों, जैसे आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर ये रूल बेस्ड जो कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं कंप्लीट होगा, तो इन सारे जो आप पढ़ते जा रहे हैं इन पर आपको एक्सरसाइज में दे दूंगा। उन एक्सरसाइज से आपको ये तय कर लेना होगा कि जो आपने पढ़ा उसमें से आपने कितना समझा और कितना नहीं समझा, और सारी एक्सरसाइजेस जो कि मैं सॉल्यूशन भी आपको बताता जाऊंगा, तो आपको सारी एक्सरसाइजेस तैयार हो जाएंगे। वो सारी एक्सरसाइजेस वही होंगी जो एग्जाम्स में आपके दी गई होंगी, इसलिए वो भी आपका फायदा। ठीक है, तो मेरी सारी क्लासेस आप जानते होंगे बच्चों, आप 9 से 10 एडिटोरियल जरूर पढ़िए, दूसरे बच्चों को भी इंस्पायर करिए कि वो एडिटोरियल जरूर करें। शाम को मेरा जो एक्सरसाइज का सेक्शन है उसे जरूर ज्वाइन करें, जिसे मैं अब और अधिक बेहतर बनाने जा रहा हूं, और बेहतर इसे बना रहा हूं ताकि उन बच्चों को और अधिक उसमें इंटरेस्ट आए। और शाम को 7 से 8 जो है आपका ये ग्रामर का बैच है जिसको आप ज्वाइन करें। ठीक है, इस सारी चीज, एक और चीज, जो टेलीग्राम का मेरा ग्रुप है, मैंने बताया था कि आप अगर आप लिंक के द्वारा नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप सर्च करके पहुंचे वहां, आप ये लिखें सुपर 60 संतोष सर, इस नाम से मेरा टेलीग्राम का चैनल है बच्चों, ये चैनल आप जरूर ज्वाइन करें, जिस पर मैं जो भी वीडियोस मैं बना रहा हूं वो सारी वीडियोस मैं उस पर डाल देता हूं, और जो भी मेरे पास पीडीएफ्स उनकी अवेलेबल हैं वो सारी पीडीएफ्स उनके उन पर मैं डाल दे रहा हूं, जिसकी वजह से क्या होगा आप उसे अच्छे से पढ़ करके भी क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जैसे एडिटोरियल की सारी पीडीएफ्स मैं उस पर डालता जा रहा हूं। ठीक है, जो आपकी एक्सरसाइज में शाम को 6 से 7 कराता हूं वो सारी पीडीएफ में डालता जा रहा हूं, तो जरूर टेलीग्राम का मेरा ग्रुप ज्वाइन कर ले, चैनल ज्वाइन कर ले। और दूसरी चीज, जो YouTube पे आप वीडियोस देखते हैं ना उस पर मैंने प्लेलिस्ट बनाया है कुछ, आप अलग अलग प्लेलिस्ट को देखकर भी अपनी वीडियोस अपने सिलेक्शन के आधार पे देख सकते हैं, अगर आप ग्रामर संबंधी देखना चाहते हैं तो उसका सेक्शन देख सकते हैं, अगर आपको एमबी के एक्सरसाइज सॉल्व करनी है तो उसका सेक्शन देख ले, वहां पे आपको एक्सरसाइज मिल जाएंगी, जो प्रैक्टिस सेट्स मैंने सॉल्व कराए हैं एमबी के वहां वो मिल जाएंगे, अगर आप वोकैब का सेक्शन देखना चाहते हैं वहां मिल जाएगा, एक्सरसाइज का देखना चाहते हैं वहां मिल जाएगा, एडिटोरियल का देखना चाहते हैं वहां, इस तरह सारे सेक्शंस मैंने प्लेलिस्ट के आधार पे डिवाइड किए हैं, तो वहां यूट्यूब के चैनल पे प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे वहां सारी चीजें आपको अवेलेबल होंगी। ठीक है, कल फिर मिलते हैं सुबह 9 बजे फिर, ठीक है, एडिटोरियल के साथ। थैंक यू, मेरे साथ बने रहने के लिए।